बाह्य पूजा के अंदर भगवान शंकर को विल्वपत्र चढ़ा करके अखंडई विल्वपत्तिश्च पूजय शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम विल्वपत्रम शिवार्पणम प्रयागे माघमासे च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम विल्वपत्रम। भगवान शंकर को विल्वपत्र, तीन पत्ते के 100 विल्वपत्र चढ़ाने का जो पुण्य होता है वो 4 पत्ते का 1 विल्वपत्र चढ़ाने से मिल जाता है, और 4 पत्ते के 100 विल्वपत्र चढ़ाने का जो पुण्य है वो 5 पत्ते को चढ़ाने से, और 5 पत्ते का विल्वपत्र 100 चढ़ाने का जो पुण्य है वो 6 विल्वपत्ते का चढ़ाने से मिल जाता है। 7 तक ऐसे तो आगे तक भी मिलते हैं, बस ऐसे ही बढ़ता जाएगा इनका क्रमांक। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक विल्वम। चिकना हिस्सा सदा शिव की तरफ चढ़ाया जाता है विल्वपत्र का। शिवराण में लिखा है कि विल्वपत्र के ऊपर गांठ होती है, डंडी के ऊपर गांठ होती है, उसको नाखून से ऐसे तोड़ना चाहिए कि जैसे चांद बन जाए, आधी तोड़ ले उसको तो चंद्र के साथ में भगवान शिव को विल्वपत्र चढ़ाने का बड़ा महत्व बताया गया है। चंद्र के साथ चढ़ाए, उसकी गांठ को आप नाखून से आधी तोड़ेंगे ना तो चांद बन जाता है, मिले तो देखो। ऐसे तो अखंड विल्वपत्र चढ़ाना चाहिए, कीड़े वाला छेदने वाला नहीं चढ़ाना चाहिए, पर यदि आप केदारनाथ जी जाते हैं तो वहां विल्वपत्र का चूरा भी मिले तो चढ़ाया जा सकता है भगवान शंकर पर, क्योंकि अभाव में है आप। विल्वपत्र का दर्शन कीजिए। अग्रतो ब्रह्म रूप स्यात्, आगे से ब्रह्मा, पृष्ठतो विष्णु रूपिण, पीछे से विष्णु, और सर्वत शिव रूप स्यात् एक विल्वम शिवार्पणम। भगवान शिव के चढ़ाए,